हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने गार्डन के लिए गिफ्ट लेकर के आई हूँ। गार्डन को गिफ्ट यानी कि अपने आप को ही खुद एक गिफ्ट खरीद करके लाई हूँ। गिफ्ट ये है कि मेरे गार्डन में इतने सारे पौधे हैं कि उनमें फर्टिलाइज़र डालना एक टास्क हो जाता था। इसके लिए मैंने एक स्प्रेयर लिया है। वैसे ये तो कमर्शियल साइज का है, कमर्शियल स्टाइल में है ये, पर मैं अपने घर के यूज के लिए लाई हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत पौधे हैं और बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ये 16 लीटर का है और एक बार में भी ये काम नहीं चलने वाला, यानी मुझे 2 बार इसमें रिफ़िल करना पड़ेगा जो भी मैं इसमें लिक्विड भरूँगी, जो भी अपने प्लांट को इससे दूँगी। तो अच्छा है ये, साइज़ भी अच्छा है, कलर भी अच्छा है और क्वालिटी भी मुझे ठीक ठाक लग रहा है। मुझे इसे ये 1400 में पड़ा और इसका जहाँ जहाँ पार्ट इसका लोहे का होना चाहिए वहाँ पर पीतल का लगाया गया है क्योंकि जंग ना लगे, क्योंकि ये पानी के टच में रहेगा। मुझे ठीक ठाक लगा, जो भी चीज़ें इसमें होनी चाहिए सही से बना हुआ है, मतलब सही से है ये, सब कुछ डिफाइन है, मतलब कुछ भी आपको समझने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देखने से ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये ढक्कन दिया है, जाली है, इससे छानने के लिए है, मोटे मोटे पार्टिकल इसके अंदर ना चला जाए। स्प्रेयर में हमेशा बिल्कुल ही अच्छे से छान करके कुछ भी आप किसी भी चीज़ को डालें यानी लिक्विड को डालें, क्योंकि इसमें अगर फंस गया तो आपको स्प्रे करने में बहुत मुश्किल होगा। ये पंप करने के लिए है, हैंडल बना हुआ ताकि प्रेशर इसमें आ जाए और प्रेशर से आप इसको स्प्रे कर सकें। पकड़ने के लिए हैंडल भी है और इसके अंदर फर्टिलाइज़र डालने के लिए काफ़ी बड़ा मुंह बना हुआ है और ये स्प्रेयर वाला जो पोर्शन जहाँ से स्प्रे निकलेगा वहाँ पर भी पकड़ने के लिए अच्छा बना हुआ है, मतलब ग्रिप अच्छा है, हाथ में दर्द नहीं होगा और ये इजली आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। जनरली लोग घरों के लिए अपने सिर्फ 2-3 लीटर का साइज़ का ही लेते हैं, लेकिन मुझे बड़ा लेना पड़ गया क्योंकि रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, बार बार इसको कौन भरे। मैं इसमें अंदर जो भर रही हूँ वो अपने किचन से निकले हुए जो पानी होते हैं, जैसे आलू का धो करके, चावल दाल का पानी धो करके, राजमा छोले का धो करके जो पानी निकलता है उस पानी का मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ। वही पानी को मैं पूरे पौधे में डालती हूँ क्योंकि मैं बाहर से कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र या लिक्विड फर्टिलाइज़र कोई भी मतलब ऐसा यूज नहीं करती, यानी कि केमिकल का यूज़ मेरे गार्डन में होता ही नहीं है कोई भी प्लांट्स के लिए, यहाँ तक कि जो ऑर्नामेंटल प्लांट है उसमें भी नहीं डालती हूँ। सिर्फ और सिर्फ इसी से काम मेरा चल जाता है, जबकि प्लांट मेरे पास बहुत ज़्यादा है। हाँ, जैसे कुछ इस चीज़ें इसमें बाहर से मैं वो लाती हूँ, जैसे गोबर का खाद हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, इस टाइप की चीज़ें ला करके मैं बनाती रहती हूँ कुछ ना कुछ उसका। लिक्विड फर्टिलाइज़र हमेशा यूज करती हूँ, तो ये घर का बना हुआ इसलिए मुझे डबल इसको छानना पड़ेगा। काफ़ी बारीक कपड़े से पहले मैंने छाना है क्योंकि जो इसके अंदर ढक्कन दिया हुआ है वो मोटे पार्टिकल को छानने के लिए सिर्फ है। गर्मी का मौसम है इस वजह से मैंने काफ़ी ज़्यादा डायल्यूट कर दिया है। नॉर्मली हम 1:10 का रेशियो रखते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में 1:20 का रेशियो रखना पड़ता है ताकि प्लांट जो है ख़राब ना हो, बर्न ना हो, ज़्यादा फर्टिलाइज़र ले ना ले। जितना लिक्विड आप इसको डालिएगा उतना अच्छा रहेगा प्लांट के लिए भी, और इस समय वैसे भी समर में बहुत फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इस वजह से मैं इस तरह से बिल्कुल डाइल्यूट करती हूँ जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ये देखिए कपड़े में जितना लगा हुआ ये जाकर के पूरा इसके नोज़ल में जाके फंस जाता और स्प्रे करने में दिक्कत होती, इसलिए वजह से मुझे कपड़े से इसको छानना पड़ेगा। वो भी कपड़ा भी बहुत बारीक यानी मसलन का कपड़ा जो होता है वो है, ताकि अच्छे से छन जाए। ढक्कन को अच्छे से बंद कर लेना है, मतलब इसमें एयर पास नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर स्प्रे करने में प्रॉब्लम हो सकती है। अभी मैं दिखाने के लिए थोड़ा कम भरी हूँ क्योंकि अभी मैं कुछ दिन पहले ही डाली थी, अभी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी इस वजह से, तो थोड़ा ही भर करके आपको दिखा रही हूँ। भरने के बाद ढक्कन को अच्छे से बंद करना है, उसके बाद काफ़ी देर तक प्रेशर देना है। प्रेशर तब तक देना है जब तक ये पंप करते करते टाइट ना हो जाए। अपने आप आपको पता चल जाएगा कि ये इसका प्रेशर ले चुका है, अब ये प्लांट में स्प्रे करने के लिए रेडी है। तो देखिए कितना अच्छा इसमें से निकल रहा है, तो और शायद ये मुझे साथ देगा आगे तक, मतलब जल्दी ख़राब नहीं होगा क्योंकि मैंने बहुत
ब्रांड पे नहीं गई हूँ मैं, थोड़ा लोकल टाइप का ही है ये, क्योंकि मैं कुछ दिन तक पहले इसको देखना चाह रही हूँ कितना सक्सेस रहता है मेरा ये काम करना। अगर अच्छे से मेरा ये काम करेगा, ढंग से मेरे लिए बेनिफिट होगा, तो मैं हो सकता है बाद में दूसरी एक अच्छी कंपनी का ले लूँ। लेकिन फिर भी ये मुझे ठीक लग रहा है, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है, रेट भी सही है और काम भी सही कर रहा है। बहुत इजी हो जाता है ये सब चीज़ों को अगर गार्डनिंग में आप रखते हैं तो, आपके टाइम को भी बचाएगा और ये आप जो भी आप जिस पर्पज़ से ले रहे हैं, कर रहे हैं, वो आपका पर्पज़ सॉल्व होगा। आप